किसी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के पैमाने क्या होने चाहिए? जब आप ये सवाल किसी बुद्धिजीवियों से पूछेंगे तो उनका लगभग यही जवाब होगा कि किसी भी देश में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर। इन तीन प्रमुख पैमानों पर ही ये देखने की कोशिश होती है कि कोई देश विकास के रास्ते पर कितनी तेजी से दौड़ रहा है। लेकिन तकरीबन डेढ़ दशक पहले यूएन के एक वर्ल्ड कन्वेंशन में महिलाओं ने विद्वानों से एक सवाल पूछा कि अगर आपका देश स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में अव्वल है, लेकिन इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है, तो महिलाओं की बराबरी का अधिकार नहीं मिला है, तो क्या आप उस देश को एक उन्नत राष्ट्र कहेंगे? लंबे विमर्श के बाद विकास को नापने वाले इस मापदंड में एक मापदंड और जोड़ा गया, वो था जेंडर इक्वालिटी। कोई देश कितना विकसित है या कितना पिछड़ा हुआ है, अब ये इस बात से भी तय होता है कि उस देश में महिलाओं की स्थिति कैसी है। आप ये पूछेंगे कि हम आपको ये सब क्यों सुना रहे हैं। इसका जवाब यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हर साल जारी की जाने वाली ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट इस साल भी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के वजह से लैंगिक असमानता बढ़ी है। इस रिपोर्ट का सीधा सा अर्थ यह है कि महिला पुरुष के समाज में बराबरी पर आने और लाने की बात हर मंच पर होती है, लेकिन रिपोर्ट ये बताती है कि वास्तविक समानता लाने में एक सदी से ज्यादा वक्त लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब महिला पुरुषों के बीच समानता आने में करीब 135.6 साल लगेंगे, जो पिछले साल तक 99.5 साल थे, यानी साल भर में यह अंतर तकरीबन 36 साल बढ़ गया है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? दुनिया भर में जेंडर असमानता लगातार क्यों बढ़ रही है? इस रिपोर्ट को तैयार करने के क्या पैमाने तय किए गए हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन जारी करता है यह रिपोर्ट। विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड की एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मिशन विश्व में व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक एवं अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों के साथ लगातार वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना। इसे पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट क्या कहती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत लगभग 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर आ गया है। साथ ही दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश है। इससे पहले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में 153 देशों में भारत का स्थान 112वें स्थान पर था। यह रिपोर्ट 30 मार्च 2021 को जारी हुई है। भारत के पड़ोसी मुल्कों में बांग्लादेश इस सूची में 65वें स्थान पर, नेपाल 106 स्थान पर, पाकिस्तान 153वें स्थान पर, अफगानिस्तान 156 स्थान पर और भूटान 130 स्थान पर काबिज है। दक्षिण एशिया में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान सूची में भारत से नीचे हैं। वहीं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में दक्षिण एशिया विश्व का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला दूसरा क्षेत्र है। रिपोर्ट में सबसे पहला स्थान कौन सा देश का है? महिला पुरुष समानता के मामले में आइसलैंड लगातार 12वें साल दुनिया में पहले स्थान पर रहा है। वहां समानता का स्तर तकरीबन 90% है, यानी महिलाओं के साथ यहां सबसे कम भेदभाव होता है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर नॉर्वे, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड और पांचवें स्थान पर स्वीडन है। आमतौर पर पिछड़े माने जाने वाले नामीबिया, रवांडा और लिथुआनिया जैसे देश इस मामले में शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं। यह रिपोर्ट किस पैमाने पर तय की जाती है? रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप इंडेक्स को चार प्रमुख पैमानों के आधार पर मापा जाता है। इसमें महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य एवं जीवित रहने की स्थिति एवं राजनैतिक सशक्तिकरण शामिल है। इसमें महिला पुरुषों की प्रगति और अंतर का अध्ययन किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इन चार पैमानों पर भारत में महिलाएं पुरुषों की समानता में कितनी पिछड़ी हुई हैं। रिपोर्ट कहती है कि लैंगिक भेदभाव के साथ ही आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में भी भारत पिछड़ रहा है। इस क्षेत्र में लैंगिक भेद अनुपात 3% से बढ़कर 32.6% हो गया है। राजनैतिक सशक्तिकरण सब इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। इसमें महिला मंत्रियों की संख्या में कमी आई है। महिला मंत्रियों की संख्या जो साल 2019 में 23.1% थी, अब केवल 9.1% रह गई है। साथ ही महिला श्रम भागीदारी का दर भी 24.8% से गिरकर 22.3% रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेशनल्स, टेक्निकल्स फील्ड में महिलाओं की भूमिका घटी है।
और यह 29.2% रह गई है। इस क्षेत्र में सीनियर और मैनेजमेंट लेवल में जुड़ी पोजीशंस पर भी महिलाओं की भागीदारी 14.6% है और टॉप मैनेजमेंट लेवल पर यह प्रतिशत केवल 8.9% है। स्वास्थ्य और अस्तित्व की बात करें तो इस मामले में महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है और भारत इस मामले में नीचे के 5 देशों में शामिल है। लिंग आधारित पारंपरिक सोच के कारण जन्म के कारण लिंगानुपात में भी बड़ा अंतर है। दूसरी ओर 4 में से 1 महिला को अंतर हिंसा झेलनी पड़ती है। अब बारी आती है विमेन लिटरेसी की, तो इस मामले में 17.6% पुरुषों की तुलना में 1/3 महिलाएं यानी 34.2% महिलाएं निरक्षर है। कुल मिलाकर ये सारे मामले वो हैं जो महिलाओं के लिए जरूरी हैं, जिन पर भारत का प्रदर्शन काफी पीछे है। लैंगिक असमानता मानव इतिहास में अन्याय का एक सबसे निरंतर और व्यापक रूप है। महिला एवं लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कामकाज, राजनीति और आर्थिक प्रक्रिया में समान प्रतिनिधित्व दुनिया में बड़ा बदलाव लाने के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG का 5वां लक्ष्य महिलाओं के प्रति हर तरह के भेदभाव, हिंसा को अंत करने तथा उन्हें आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।